नाग से आरक्षी गण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि थाने के अंदर अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो इनकी देखरेख में संपन्न होते हैं कार्यक्रम, क्योंकि कोई भी अवांछनीय तत्व उसमें ना आए। अगर सुरेश चंद पंत जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, श्री सुरेश चंद पंत। ऐसा ही श्री भुवनचंद पांडे जी का वैद्य अलंकरण कर रहे हैं, श्री राजकुमार सिंह
थाना बेरीनाग, इनका वैध अलंकरण श्री उमेश चंद जोशी जी के द्वारा संपन्न होगा। श्री उमेश चंद जोशी जी, श्री प्रकाश बच्चखेती जी थाना बेरीनाग, श्री सुरेश पंजी इनका वैध अलंकरण करेंगे। ये आदरणीय रामला कमेटी अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे मातृशक्ति भाई बहन समस्त लोगों से मैं ये आपको सुरक्षा का सबसे प्रथम वादा देता हूँ, कोई ऐसे अवांछनीय घटना यहाँ पर नहीं घटित होगी। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि डेली यहाँ पर चक्कर लगाएंगे और ऐसे लोगों पर निगाह रखेंगे। और आप लोगों से मैं दो चार चीज़ें बताऊंगा। आजकल साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा, आप लोग मोबाइल का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, तो उसके प्रति जागरूक रहें एवं किसी के लालच में ना आए। लालच में आकर के कोई एक एक रुपये के लालच में आकर के लोग अपने करोड़ों हजारों रुपये लाखों रुपये गवा दे रहे हैं, तो इसलिए लालच न रखें। कोई फ्री में आपको कोई भी एक रुपया भी नहीं देगा, ऐसे लालच वो साइबर ठग देते हैं कि हाँ आपको कहेंगे हाँ आपको हम लोन दिला देंगे या आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको फर्जी टैक्स मैसेज भेज करके भेजेंगे कि आपके खाते में जो है 10,000 रुपये मेरे गलती से आ गए हैं, आप वापस कर दीजिए। और उसी चक्कर में आपके जो है खाते में जितने पैसे होंगे वो सब ले लेंगे, आपके पास आया होगा टैक्स मैसेज। हमेशा उसका कॉल काट करके पहले चेक कर लें, अपना बैलेंस देख लें, उसको पता कर लें कि हाँ हमारे खाते में कितने पैसे आए या नहीं आए, तब उसके बाद ही आप उसको ट्रांजेक्शन, अन्यथा किसी व्यक्ति को ऐसे ट्रांजेक्शन ना करें। इसके लिए आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये आया था, इसमें मैं ट्रांजेक्शन करूँ या न करूँ। और दूसरा, महिला संबंधी सुरक्षा के लिए किसी के साथ भी अगर किसी महिला हमारे बहन बेटियों के किसी के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, अपनी शिकायत को दबाए नहीं, आपके साथ कोई भी क्राइम हो रहा हो उसकी तुरंत शिकायत अपने परिजनों को या नजदीकी पुलिस स्टेशन को या किसी भी कार्यदायी संस्था जो महिला संबंधी काउंसलिंग करते हैं उनको आप अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। और इसके अलावा समाज में जितने भी जो आपको जहाँ पर असुरक्षित महसूस होती है, असुरक्षा लगती है, तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। आपको जो भी हमारे तरफ से सहायता मिल सकती है हम जरूर आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद सर। सखा मुझे ही पता है मेरा रहा मेरी यह क्या का उल्लंघन कभी नहीं करेगा, तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा सखा। <चारी। laughs>
Thank you.
अवध को चले जा। जो आज्ञा राजकुमार। दुख दुख